इन द मिड वे बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन एंड द प्यूबिक टूबरकल। ये फिमोरल ट्राइंगल के बेस के ऊपर आप फील कर सकते हैं, ये जो पिक्चर बनी हुई है दिस इज फिमोरल पल्स। अगर आपने पॉपलिकल पल्स फील करनी हो तो फिर आपको नी जॉइंट के बैक साइड पे अपनी फिंगर्स को अच्छी तरह डेप्थ में प्रेस करना पड़ता है और नी जॉइंट को फ्लेक्स करना पड़ता है, और वहाँ पे आप पॉपलिकल आर्टरी को तलाश कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पॉपलिकल पल्स फील हो जाती है। जैसे ये वाले डॉक्टर साहब हैं, इस पेशेंट की पल्स देख रहे हैं, कौन सी पल्स देख रहे हैं? पॉपलिटियल। ये पॉपलिटियल, और ये वाली पल्स कौन सी है जो देखी जा रही है यहाँ पे? फिमोरल पल्स। फिमोरल, ये फिमोरल पल्स है। तो हाँ जी, हमने ये देखना है कि फिमोरल पल्स जो है वो फील की जा सकती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे, और जो पॉपलिटियल पल्स है वो बैक ऑफ द नी जॉइंट एट द पॉपलिटियल फोसा आप फील कर सकते हैं। ठीक हो गया जी सर। इसी तरह अगर हम अपने मीडियल मैल्यूलस के बैक साइड पे फील करें, इन बिटवीन द मीडियल मैल्यूलस एंड द टेंडन एचिलस। टेंडन एचिलस का तो पता है ना, ये वाला जो टेंडन होता है सबसे बड़ा टेंडन, जिस तरह हमारी बॉडी में पेटलर टेंडन होता है, काफ़ी भी मोटा होता है, आपने तो फील किया है, खुद आप फील कर सकते हैं। इसी तरह बैक साइड पे जस्ट अबव द बैक ऑफ द फुट अगर आप फील करें तो दैट इज टेंडन, दैट इज कॉल्ड टेंडन एचिलस। समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो टेंडन एचिलस और पोस्टीरियर मीडियल मैल्यूलस के दरमियान में अगर आप फील करेंगे तो ये जो पल्स आपको फील हो रही है दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर टिबियल पल्स। कौन सी पल्स है? पोस्टीरियर टिबियल पल्स। ये आपने जो भी पल्सेस मैं बता रहा हूँ आपने फील करनी है, और ये फिर आपने मुझे बताना है कि अगर किसी से फील ना हो रही हो तो फिर उसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं फील हो रही। आपने अपने ऊपर ये सारी पल्सेस फील करके देखनी है, ठीक है? अब आ जाती है ये जो डार्सेलस पीडस, जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी थी वो नीचे जाके एंकल के एंटीरियरली जब गुजरती है तो उसका नाम हम रख देते हैं डार्सेलस पीडस। तो डार्सेलस पीडस आर्टरी जो है वो हम यहाँ पे फील कर सकते हैं ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, और ये जहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल और सेकंड मेटाकार्पल आपस में एक दूसरे के साथ डेप्थ में, यहाँ पे आप एक पल्स फील कर सकते हैं, उसको कहते हैं डार्सेलस पीडस पल्स। तो कौन कौन सी पल्सेज हो गई फ्रॉम अबव डाउनवर्ड? सर फिमोरल, फिमोरल पल्स, पोस्टीरियर पल्स, सब लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि अगर हमारी आर्टरी जो है वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, जैसे फिमोरल आर्टरी है, अगर उसके अंदर क्लॉट आ जाता है या पॉपलिटल आर्टरी के अंदर क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है लोअर लिम्ब की, तो उस लोअर लिम्ब का कलर जो है, जो मेरा पॉइंटर है, इसका कलर जो है वो पेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेल हो जाएगा। पेशेंट को वहाँ पे पेन भी फील होगा, कलर भी पेल हो जाएगा, उसका पैरालाइज भी हो जाएगा, लिम्ब काम नहीं करेगा, उसकी पल्सेस भी एब्सेंट हो जाएंगी। इस कलर वाले में, ये वाइट कलर का जो लोअर लिम्ब है, इसमें हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फील करने की कोशिश करेंगे डार्सेलस पीडस, तो हमें पल्सेशन फील नहीं होगी। इसी तरह ये जो दो लिम्ब्स हैं इनमें कलर नजर आ रहा है आपको, कौन सा एबनॉर्मल है और कौन सा नॉर्मल है? सर जो येलो वाला एबनॉर्मल है, ये येलो वाला एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ये एक्यूट आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हमारे साइन सिम्टम्स होते हैं उनको हम कहते हैं फाइव पीस। पेन, ये वाला जो मेरा कर्सर है इसको गौर से देखें, फाइव पीस, पेन, पैरास्थीजिया, पेलर, पैरालिसिस एंड पल्सनेसनेस। तो ये फाइव पीस आपने याद कर लेने हैं कि जब भी हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो उससे डिस्टल तौर पे जो भी लिम्ब होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें बड़ा सीवियर पेन होगा, उसमें पैरास्थीजिया होगा, यानी कि जैसे चींटियां चलती हैं, नंबनेस सी होती है और इस किस्म की फीलिंग होती है, और उसकी उसका पैरालाइज हो जाएगा, यूज नहीं किया जा सकेगा, और उसकी पल्स रेस्टनेस हो जाएगी। तो फाइव पीज आपने याद रखनी है एक्यूट आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, आगे चलें। जी सर। यस सर। अगर क्रॉनिक आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी एक्यूट ना हो, क्रॉनिक हो, यानी कि क्रॉनिक से मतलब यह है कि आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक ना हो बल्कि
थोड़ी बहुत ब्लॉक हो, यानी उसके अंदर कोई क्लॉट फंसा हुआ ना हो, मुकम्मल 100% ब्लॉक ना हो, बल्कि 50% ब्लॉक हो, 70% ब्लॉक हो, तो उसमें क्या होगा कि ब्लड तो हमारा जाता रहेगा, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो उस वक्त तो ब्लड का फ्लो इतना सफिशेंट नहीं होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, तो जिसकी वजह से पेशेंट पेन फील करना शुरू कर देगा, फिर वो रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद फिर उठ के चल पड़ेगा, फील वो बेहतर महसूस करेगा और उठ के चलना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, क्लॉडिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा था, वो जा रहा है कहीं बस स्टॉप पे जा रहा है या उसने सड़क तक जाना है, वो 100 कदम चलने के बाद उसको पाँव में बहुत शदीद और टांग में दर्द होना शुरू हो गया है, फिर वो बेंच पे बैठ गया है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर उठ के चल पड़ा है, फिर 100 कदम जाने के बाद बैठ गया है, फिर चल पड़ा है। ये जो 100 कदम पे बैठता है ना, इस 100 कदम को कहते हैं क्लॉडिकेशन डिस्टेंस। क्लॉडिकेशन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, क्लॉडिकेशन डिस्टेंस, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फिर कम होता जाता है वक्त के साथ साथ, जब आर्टरी का ब्लॉक बढ़ता जाता है तो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कम होता जाता है, यानी पहले 100 मीटर पे थकता था, फिर 50 मीटर पे थकना शुरू कर देगा, फिर 20-25 मीटर पे थक जाएगा, तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑक्लूसिव डिजीजेस। तो इसको भी आपने ऐसे एक नज़र देख लेना है, ये आपका क्लिनिकल है, उसमें आ जाता है। फिर आ जाता है सुपरफिशियल वेन्स कौन सी हैं हमारी लोअर लिम की, हमारी सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन सी हैं लोअर लिम की? सर ग्रेट एंड स्मॉल सेफनेस वेन। ग्रेट एंड स्मॉल सेफनेस वेन, ठीक है। अगर ग्रेट और स्मॉल सेफनेस वेन जो है हमारी किसी वजह से डायलेटेड हो जाए, टॉर्चुअस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। ये पहले भी एक दफा क्लास में बात हुई थी, तो यस सर, इसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स हैं ये डीप वेन्स के साथ वेल्व्स के जरिए कनेक्टेड हैं, तो लिहाजा वन वे ब्लड ड्रेन होता है फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। अगर ये वेल्व्स खराब हो जाएं, डायलेटेड हो जाएं, तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता, यानी वापस नहीं जाता हार्ट की तरफ, और ये वेन्स डायलेटेड हो जाती हैं, टॉर्चुअस हो जाती हैं और विजिबल हो जाती हैं। इनकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, यानी कि स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है पेशेंट को फील होना, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वेरिकोज वेन्स। क्या कहते हैं इसको? वेरिकोज वेन्स। मैं इसी तरह कंटिन्यू कर लूं या इसको स्लाइड शो पे कर दूं? सर स्लाइड शो कर लें। स्लाइड शो करें। अच्छा, ये हम इसको कह देते हैं वेरिकोज वेन्स, ठीक है। फिर इसकी आगे ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है वेरिकोज वेन्स की, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। आपको इसका पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेरिकोज वेन्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि हमें फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, हमारी फ्रैक्चर जो है वो नेक ऑफ फीमर, मुख्तलिफ जगह से नेक हमारी, सबसे वीक एरिया जो है वो फीमर का वो नेक है। अगर आप गौर से देखें तो एक तो वो एंगुलेटेड है, यानी मुड़ा हुआ है, तो पूरी बॉडी का वेट है, वहाँ से वेट जो है ना वो पास ऑन होता है फीमर पे, तो इस जगह पे फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। किन लोगों में ज़्यादा होते हैं? जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है वीक स्पॉन्जी बोन्स, बोन्स वीक हो जाती हैं। वो किन लोगों में ज़्यादा वीक होती हैं? ओल्ड एज में। और किन किस जेंडर में ज़्यादा होती हैं? फीमेल, वुमेन, फीमेल, ओल्ड एज फीमेल जो होती हैं उनमें बोन्स ज़्यादा वीक हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं वो हमारे बोन्स की डेंसिटी को मेंटेन रखते हैं। जब मेनोपॉज हो जाता है और फीमेल ओल्ड हो जाती है, तो उसके हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर ना होने की वजह से उनकी बोन्स जल्दी मतलब है ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं। मेल्स में भी हो जाती हैं और फीमेल्स में भी हो जाती हैं, तो लिहाजा नेक और फीमर का फ्रैक्चर कॉमन है। इसको हम कैसे आगे सब क्लासीफाई करते हैं? या तो नेक यहाँ से टूटेगी जस्ट बिलो द हेड, इसको हम कहते हैं सब कैपिटल नेक फ्रैक्चर, यानी जस्ट बिलो द हेड, या फिर नेक जो है ना यहाँ से टूटेगी, यानी ट्रांस सर्वाइकल इसको कहते हैं नेक, यानी जो नेक का थ्रू एंड थ्रू फ्रैक्चर यहाँ से होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान में फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? इंटर ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर, इंटर
ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर और अगर अगर दोनों ट्रोकेंटर से नीचे हो जाए तो उसको कहते हैं सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। तो ये सारी जगह बहुत कॉमन है, जब भी फ्रैक्चर होता है तो इन तीन चार जगहों में से किसी एक जगह पर होता है। अच्छा, अब हमने जो डिस्कस करना है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो ब्लड सप्लाई है हमारे हेड की वो कहाँ से आती है। मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री सोर्सेज जहाँ से ब्लड सप्लाई आती है। तो इस फ्रैक्चर की वजह से हमारी नेक हेड की ब्लड सप्लाई के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? यस सर, एवेस्कुलर हो जाता है। अभी देखें ये डायग्राम आपने पहले भी देखी है, तो ये आर्टीरियल सप्लाई हेड की जो है ये आ रही है राउंड लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये एस्टेबुलर आर्टरी की एक ब्रांच है वहां से आ रही है। उसके बाद ये जो कैप्सूल है हमारे जो हिप जॉइंट का कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ये भी कैप्सूल है, मेरे कर्सर को गौर से देखें, और ये भी कैप्सूल है। तो कैप्सूल के साथ से कुछ आर्टरीज आ रही है, उसको कहते हैं रेटिनोकुलर आर्टरीज, रेटिनोकुलर आर्टरीज। और ये किसकी ब्रांचेज हैं? ये बेसिकली ब्रांचेज हैं मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरीज की। और मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल किसकी ब्रांचेज हैं? प्रोफंडा फीमोरस की। समझ आ गई आपको? तो ये रेटिनोकुलर वेसल्स, ये रेटिनोकुलर वेसल्स आ रही हैं, और ये आ रही है राउंड लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये आ रही है। और एक वेसल जो है वो नीचे से आ रही है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जब बच्चा होता है तो यहाँ एक एपिफिजल प्लेट होती है, एपिफिजल प्लेट बाद में जब ग्रोथ हमारी मुकम्मल हो जाती है तो एपिफिजल प्लेट फ्यूज हो जाती है। तो एपिफिजल प्लेट से पहले पहले तो ये जो वेसल है हेड वाली ये सफिशिएंट होती है हेड के लिए, लेकिन जब हमारी एपिफिजल प्लेट फ्यूज हो जाती है तो ये वेसल इतनी कारामद नहीं रहती कि ये हमारे हेड को अलाइव रख सके। तो हमारे हेड का जो डिपेंडेंट है ना डिपेंडेंसी, वो रेटिनोकुलर आर्टरीज के ऊपर ज्यादा हो जाती है ताकि नीचे से ब्लड आए और हेड को हर वक्त मिलता रहे। अब फॉर एग्जांपल ये वाला बी, बी मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैं ये लेजर पॉइंटर है मेरा, इसको जरा गौर से देखें, यहाँ से ये फ्रैक्चर हुआ है, इस फ्रैक्चर को क्या कहेंगे? सब कैपिटल फ्रैक्चर। ये पीछे जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना, ये देखे ये वाला कौन सा फ्रैक्चर है? सब सब कैपिटल, सब कैपिटल फ्रैक्चर, ये भी सब कैपिटल फ्रैक्चर है। अब सब कैपिटल फ्रैक्चर में क्या होगा कि ये जो हमारी रेटिनोकुलर आर्टरीज हैं ये डैमेज हो जाएंगी, तो ये जो हेड है इसकी ब्लड सप्लाई सिर्फ एक रह जाएगी, ये सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से हेड नेक्रोसिस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर सब कैपिटल फ्रैक्चर होगा तो हमारा हेड जो है उसकी डेथ हो जाएगी और उसका ए वैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये कौन सा फ्रैक्चर है? इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, ये इंटरट्रोकेंटेरिक, ये वाला इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है। इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर का फायदा ये है कि इसमें रेटिनोकुलर आर्टरीज जो हैं उनका भी हेड की तरफ सप्लाई जा रही है, तो लिहाजा हेड का नेक्रोसिस नहीं होगा। सिर्फ हमारे नेक के फ्रैक्चर में जो अहमियत है वो हेड के ब्लड सप्लाई की है, वो आपने याद रखना है कि कहाँ का फ्रैक्चर होगा तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी और कहाँ का फ्रैक्चर होगा तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज नहीं होगी बल्कि ठीक रहेगी। समझ आ गई? समझ आई बेटा? या रिपीट कर दूं? यस सर, आप ये समझ सब लोग सुन रहे हैं? स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं या नहीं? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ बेटा, जवाब देते रहो ना, आप भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना? यस सर। मैं जिसका जवाब नहीं आएगा मैं समझूंगा कि शायद। अच्छा, अब आपने हाजिरी भी अपनी खुद ही लगा के ना जैसे पहले करते थे आप, तो आपने ग्रुप में भेज देनी है, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। अच्छा, अब ये देखें, ये भी उसी चीज को दिखाया गया है कि ये राइट सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, फिर रेटिनोकुलर आर्टरीज हैं, ये हेड की तरफ जा रही हैं, ये भी वही एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में मैं दो चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो व्हाइट कलर का हमें नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इम्प्लांट। ये इम्प्लांट जो है, अगर हमारा हेड सब कैपिटल फ्रैक्चर होगा तो उसमें हेड की सप्लाई खत्म हो जाएगी और हेड हम रिमूव कर देंगे, जो नॉर्मल हेड है उसको रिमूव कर देंगे, जो अपना हमारा जाती हेड है उसको रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे ये नया लगा के हेड को यहाँ पे कर देंगे। इसको कहते हैं हेमी आर्थोप्लास्टी, हेमी आर्थोप्लास्टी प्लास्टिक, यानी हाफ हिप हमने रिप्लेस कर दी है,
लेकिन जो पर्ट्रोकैंटेरिक इंटरट्रोकैंटेरिक फ्रैक्चर है उसमें हमारा हेड अपना रह जाएगा, क्योंकि वो नेक्रोसिस उसकी नहीं होगी, क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई ऑलरेडी ठीक है, तो उसमें हम एंगल ब्लेड प्लेट या DHS या दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगा के फिक्स कर देते हैं। इस बात की आपको समझ आई है या नहीं आई? एक्सक्यूज मी सर, सर ये रिपीट कर दें एक दफा। ये देखें, ये वाला अगर फ्रैक्चर होगा, ये जो कर्सर है, यस सर, तो इसमें हमें हेड रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेड डैमेज हो गया है, इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है, हेड हमें रिमूव करके नया हेड लगाना पड़ेगा। यस सर। और ये वाला फ्रैक्चर जो है, इसमें हमें हेड रिमूव नहीं करना पड़ेगा और इसको ऐसे ही फिक्स कर देना पड़ेगा यहाँ पे स्क्रू डाल के। यस सर। यहाँ पे समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब यही तस्वीर है कि इसमें ये समझे कि राइट साइड वाला जो है वो हेड निकाल के हमने ये हेड भी नया लगा दिया है, और लेफ्ट साइड वाला हेड नहीं निकाला और उसमें स्क्रू लगा दिया। ओके सर। अब समझ आ गई है बेटा? यस सर, आ गई। इसको आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है, व्हाट इज हेमिआर्थ्रोप्लास्टी, व्हाट इज DHS, व्हाट इज एंगल ब्लेड प्लेट, ये जो है एक दो चीजें, एक एक दो दो लाइनें पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी। और मेन जो इसका थीम है हमारा वो ये है कि हेड की सप्लाई जो है ना वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। अब आ जाता है कि मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस फीमर के लोअर एंड की। हमने आपको बताया था कि जो हमारी बोन है वो डेवलप होती है इंट्राकार्टिलेजनस मेथड से, उसमें सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बनते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेंटर है वो डायफिसिस में बनता है, और जो सेकेंडरी सेंटर है वो एपिफिसिस में बनता है। और जो सेकेंडरी सेंटर है वो अमूमन बिफोर बर्थ भी बन जाते हैं और आफ्टर बर्थ भी बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोअर एंड ऑफ द फीमर जो है वो बिफोर, जस्ट बिफोर बर्थ वो ऑसिफाई होना शुरू होता है। ये वाली जगह जो मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये लोअर एंड ऑफ द फीमर है। इसकी ये इंपॉर्टेंस हो जाती है कि आपको बच्चे की एज का अंदाजा हो जाता है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि बच्चे की एज का आपको अंदाजा हो जाता है कि ये 9 मंथ का डिलीवर हुआ है या ये अभी जो है ना इसकी एज कम है या ज्यादा है। तो ये मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। अब हम आ जाते हैं, जैसे हमने नी जॉइंट पढ़ा था, तो नी जॉइंट कौन कौन सी बोन्स के दरमियान था? फीमर और टिबिया और एंड पेटेला। पेटेला, पेटेला के जो बेस है उसके ऊपर कौन से मसल्स अटैच होते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्वाड्रिसेप्स मसल्स। क्वाड्रिसेप्स मसल्स में कौन कौन से 4 मसल्स होते हैं? वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस लेटरलिस और रेक्टस फीमोरस और वास्टस इंटरमीडियस। और ये सारे पटल्ला के साथ अटैच होते हैं, और पटल्ला बजाते खुद किसके साथ अटैच होता है? टिबिया के साथ थ्रू पटलर लिगामेंट। ये पटलर लिगामेंट है। तो बाज़ का ये होता है कि पटल्ला जो है वो लिटरली डिस्प्लेस हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ पटल्ला। ये भी कॉमन है बाज़ का, ये पॉसिबल है कि हमारा पटल्ला जो है वो लिटरली डिसलोकेट हो सकता है। डिसलोकेशन जो है वो अमूमन होती लेटरल साइड पे है। यस सर, ठीक हो गया। ओके, अब आ जाता है पटल्ला का फ्रैक्चर। पटल्ला का जो हाँ हो सकता है अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दे दे तो वो एक तरफ को डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं। बाकी ये है कि हाँ जी नहीं करता। पटेला जो है ना बेसिकली ये सेसमाइड बोन है, आप सबको पता है सेसमाइड बोन है। इसकी जो है ना पेरियोस्टियम नहीं होती, तो जिस बोन की पेरियोस्टियम ना हो उसकी यूनियन नहीं होती, यानी कि मुश्किल हो जाती है यूनियन। ठीक है, यानी अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी यूनियन नहीं होती जल्दी, मुश्किल हो जाती है। ओके सर, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए जो है ना जब भी फ्रैक्चर होता है पटेला का तो उसको हमें फिक्स करना पड़ता है, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, वायर्स के साथ और नेल्स के साथ डाल के उसको फौरी तौर पे फिक्स करना पड़ता है, ताकि वो दोनों सेगमेंट सेपरेट ना रहें बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। तो पटल्ला का फ्रैक्चर जो है वो भी कॉमन है, खासतौर पे जब एंटीरियरली कोई चीज आपको लगती है पटल्ला के ऊपर आके स्ट्रेट, तो उसकी वजह से पटल्ला ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, बाज़ का ये होता है कि पटल्ला जो है ना वो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राई पार्टेट और बाई पार्टेट। अगर दो होंगे तो बाई पार्टेट
और अगर तीन होंगे तो ट्राइपार्टाइट। ये एक पटला ये है और दो तीन पटला छोटे छोटे और नजर आ रहे हैं। ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी है, ये एबनॉर्मली ऑसिलेशन होती है और पटला एक की बजाय कई हो जाते हैं, तो उसका हम नाम दे देते हैं। अगर तीन सेगमेंट हैं तो ट्राइपार्टाइट, और अगर दो हैं तो बाईपार्टाइट, और ये इसमें क्या है मल्टीपार्टाइट। ये एक तो पटला बजा के फूल जाए और तीन और है तो ये फोर हो गए, इसको हम मल्टी पार्टेड पटला कह सकते हैं। ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है फ्रैक्चर से कि ये फ्रैक्चर है या नहीं है। तो ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं ये फ्रैक्चर बेसिकली नहीं है, क्योंकि पेशेंट को ट्रामा की हिस्ट्री नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, कोई और एक्सीडेंट नहीं हुआ और नॉर्मल उसका एक्सरे हुआ है। और फिर ये जो जगह है पटला की ये राउंडेड है, ये इस तरह शार्प टूटी हुई नहीं है बल्कि राउंडेड है। अगर बोन शार्प टूटी हुई हो तो पता चल जाता है, और अगर राउंडेड राउंडेड से सेगमेंट्स पड़े हुए हों तो फिर बंदे को डाउट होता है कि ये टूटा हुआ नहीं है बल्कि बना हुआ है। समझ आ गई बेटा? समझ आई? जी सर। यस सर। मल्टीपल पटलास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ऑस्टियोमलाइटिस जो है ना अमूमन अपर एंड ऑफ द टिबिया के ऊपर कॉमन है, बच्चों में होती है और ये ब्लड बॉर्न होती है, यानी ब्लड में अगर इन्फेक्शन हुई है तो उसमें यहाँ पे ब्लड की इन्फेक्शन बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाते हैं और स्टे कर जाते हैं, जिसकी वजह से बोन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसको कहते हैं ऑस्टियोमलाइटिस, एक्यूट ऑस्टियोमलाइटिस। बच्चों में कॉमन है और अपर एंड ऑफ द टिबिया मोस्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, ये इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। बाकी जब भी फ्रैक्चर होता है टिबिया का, इसका टिबिया का, तो अमूमन अपर टू थर्ड और लोअर वन थर्ड के जंक्शन पे होता है, जैसे ये आपको शो किया गया लोअर वन थर्ड और अपर टू थर्ड के जंक्शन के ऊपर ये अमूमन फ्रैक्चर होता है। और ये वाला जो टिबिया का एरिया है इसके ऊपर मसल अटैचमेंट कम होती है, मसल अटैचमेंट कम होती है, बोन नेकेड होती है यहाँ से, और अक्सर यहाँ पे चोट लग सकती है। अब मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में भी चोट लग सकती है, कभी तेजी से आप जा रहे हो तो कोई चीज पाँव के साथ टकरा सकती है, ये शिन ऑफ टिबिया भी कहते हैं इसको, सबकुटेनियस जगह होती है। तो क्योंकि इस जगह पे कोई मसल इन्वॉल्व नहीं होता और इसकी जो है ना डिस्टल ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसकी यूनियन भी मुश्किल से होती है, बाज का डिले हो जाती है यूनियन और बाज का नॉन यूनियन भी हो जाती है। तो इसको करने के लिए हम प्लेट और स्क्रू और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बाज का नेलिंग भी इस्तेमाल करते हैं इसको फिक्स करने के लिए। तो फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द टिबिया, मेरे एक टीचर होते थे उस्ताद, उन्होंने एक फिक्रा कहा था, उन्होंने कहा था कि फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द टिबिया इज एज बैड एज फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। क्या कहा था उन्होंने? फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द टिबिया इज एज बैड एज फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। यानी कि जैसे नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर बड़ा, यानी कि हम, आपको पता है हम बचपन में भी हर वक्त सुनते आए हैं कि फलाम मरीज का चूकना टूट गया है, एक बुजुर्ग है उनकी हिप बोन टूट गई है, तो उसके बाद काफी डिफिकल्टीज होती हैं सर्जरी करने में, उनको मोबिलाइज करने में, उनकी फिजियोथेरापी करने में, उनकी रिहेबिलिटेशन करने में। इसी तरह लोअर एंड ऑफ द टिबिया के अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो अमूमन इतना लंबा हो जाता है झुकता झुकता कि पेशे छोड़ने पड़ जाते हैं कई दफा, यानी कि कोई जॉब पे होता है तो कोई मार्केट में काम कर रहा है तो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो काफी देर तक एबसेंट रहना पड़ता है और कई कई वीक्स, दो दो ढाई ढाई वीक्स, महीने लग जाते हैं उसको ठीक होते होते। समझ आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो दोबारा रिकनेक्ट होना पड़ेगा, अभी मेरे ख्याल थोड़ा सा रह गया, कितना रहता है? 5 मिनट रहते हैं, आपने बता देना है मुझे पहले। ठीक है, अच्छा ये है बोन ग्राफ्ट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज बोन ग्राफ्ट, आप में से कोई बताए। सर ग्राफ्टिंग होती है बोन्स की, जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं उसको हेल्दी बोन से रिप्लेस कर देते हैं। शाबाश। अगर फ्रैक्चर बोन हो और दरमियान में से काफी सारे सेगमेंट लूज हो जाएं और हमारे डेफिशिएंसी हो वहां पे, तो किसी और बोन का टुकड़ा लेके वहां पे लगा देते हैं, उसको कहते हैं बोन ग्राफ्ट। तो फिबुला एक ऐसी बोन है, फिबुला के ऊपर कोई वेट नहीं आता, तो फिबुला को ग्राफ्टिंग के तौर पे हम ले सकते हैं और मुख्तलिफ जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बोन ग्राफ्टिंग में हम फिबुला को यूज करते हैं। फिबुला जो है, हाँ फिबुला का लोअर एंड जो है वो एंकल जॉइंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और फिबुला का अपर एंड जो है वो नी जॉइंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और फिबुला जो है वो वेट बेयरिंग बोन नहीं है, वेट बेयरिंग बोन नहीं है। अगर दरमियान में से छोटा सा पीस हम फिबुला का निकाल भी दें तो उसको एज ए ग्राफ्ट यूज किया जा सकता है। समझ आ गई? जी सर।
जी, आसपास के मसल्स को हटा के और फेबुला के तक पहुंच के और फेबुला का छोटा सा सेगमेंट निकाल के और उसको किसी जगह पे यूज कर देते हैं, ये पॉसिबल है। अब आ जाता है फ्रैक्चर टेलस। टेलस कौन सी बोन है बेटा? टेलस एंकल बोन है, ये वाली बोन जो है इसको टेलस कहते हैं। एंकल पर मेरा कर्सर है, ये जो कर्सर है दिस इज टेलस, दिस इज कैल्केनियम, दिस वन इज टेलस, दिस वन इज कैल्केनियम। तो टेलस का अगर फ्रैक्चर होता है किसी वजह से, ये वाला ये जो डॉटेड लाइन है ये टेलस का फ्रैक्चर है, और ये जो एरोज हैं ये क्या हमें शो कर रहे हैं? ब्लड सप्लाई, टेलस की ब्लड सप्लाई। टेलस की ब्लड सप्लाई जो है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाती है, तो लिहाजा ये फ्रैक्चर सेगमेंट जो है अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ब्लड सप्लाई जो पोस्टीरियर सेगमेंट की है वो डिस्टर्ब हो जाती है। चलते आगे चलते हैं। ये वाली कैल्केनियम का फ्रैक्चर है, ये देखें ये बोन जो है कैल्केनियम है। अगर हमने छत से छलांग लगा दी जमीन पे फर्श के ऊपर तो सारा वेट हमारा हील बोन के ऊपर आ जाएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, वो जो हील बोन होगी अगर वो फ्रैक्चर हो जाती है तो हम कहते हैं ये कैल्केनियम का फ्रैक्चर है। तो ये देखें ये कैल्केनियम बोन फ्रैक्चर हुई है और इसको हमें फिर बाद में फिक्स भी करना पड़ा है और रेस्ट भी देना पड़ा है पेशेंट को। ठीक है, ठीक हो गया? यस सर। हाँ, बाद में बेटा इसको फिर निकाल देते हैं, लेकिन अभी तो ये बोन के अंदर है ना, जॉइंट्स के अंदर तो नहीं है ना, ये किसी भी जॉइंट के अंदर स्क्रू नहीं लगाते, सिर्फ बोन के अंदर लगाते हैं। हाँ, स्क्रू जो होता है ना वो फिर निकाल देते हैं, जब बोन जुड़ जाती है तो फिर स्क्रू को निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये खास तौर पे आपके लिए भी है, ये जो ज्यादा बच्चे वॉक भी करते हैं, चलते हैं और हर वक्त एक लैब से दूसरी लैब तक, लेक्चर हॉल तक, बाहर कैफेटेरिया, इधर उधर चलना फिरना जिनका ज्यादा होता है, इसको कहते हैं मार्च फ्रैक्चर। मार्च फ्रैक्चर खासतौर पर जो लोग ये जो स्पाई वगैरह जो मार्च करते हैं या सलूट मारते हैं, जोर से पाँव को नीचे जमीन पे मारते हैं, स्टैंपिंग करते हैं, तो इसमें यह है कि सेकंड मेटाटार्सल बोन बाज़ बाज़ फ्रैक्चर हो जाती है, इसको कहते हैं मार्च फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? मार्च फ्रैक्चर। हमारी जो सेकंड मेटाटार्सल बोन है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कर्सर को देखें, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। हमारी जो सेकंड है सबसे थिन, सिलिंड्रिकल और स्लिम है, ये बाज़ बाज़ यहाँ से फ्रैक्चर हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। एक मेरी बेटी ने सवाल किया था जिन्होंने 45 किलोमीटर पैदल चली थी, लेक्चर सुन रही है या नहीं? यस सर, सुन रही। हाँ, आपने कहा था ना, तो बहुत लंबा चलने से और एक्सरसाइज करने से, मार्च करने से, सलूट वगैरह मारने से, पाँव जमीन पे स्टैंपिंग करने से ये मेटाकार्पल बाज़ बाज़ फ्रैक्चर हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव में शदीद दर्द होता है, इसको हम कहते हैं मार्च फ्रैक्चर। ठीक है, हाँ, इन्हें भी हो जाता है, इन्हें हो जाता है जो पीटी मास्टर हैं, पीटी करते हैं, एनसीसी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं जो हम स्कूलों में, उनमें भी बच्चों में भी हो जाता है, इसको मार्च फ्रैक्चर कहते हैं। और ये अमूमन पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है और जब एक्सरे करवाते हैं तो फिर ये लाइन नजर आती है, फ्रैक्चर लाइन। ठीक है, और बात कन्फर्म हो जाती है कि ये वाकई मेटाकार्पल का है फ्रैक्चर। जी नहीं, फिर ये है कि फिर ये जुड़ जाती है, बाद में जुड़ जाती है, फिर इसको पीओपी लगाना पड़ता है और ये कुछ हफ्तों के बाद जुड़ जाती है, लिहाजा हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज से जो है ये पॉसिबल है मार्च फ्रैक्चर। ठीक है, तो जो मेरे जैसे आराम तलब हैं, हम तो चलते ही नहीं है कि मार्च फ्रैक्चर तक नौबत आएगी, तो अमूमन जो है ना वो ये तो जो एंथुजियास्टिक होते हैं ना बच्चे ज्यादा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा जो ओवर एक्टिव हार्ड वर्कर होते हैं उनमें ये चांसेस होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं।